दोस्तों देखिए, आज हम लोग रूम का सफाई कर रहे हैं। आज के दिन रूम सफाई का दिन है और हमारे श्याम भाई इधर वाइपर चला रहा है, पानी को सूखा कर रहा है, सुखा रहा है। इधर से पानी डाल के उधर निकाल रहा है। रूम का सारा कचरा बाहर कर दिया है। देखिए दोस्तों, रूम पूरा क्लियर हो गया है। यस, देखिए आप लोग को रूम दिखा रहे हैं, कितना साफ कर दिया है ये बंदा, पूरा क्लीन कर दिया है। अब देखिए क्या करने वाला है। देखिए दोस्त, अभी पानी पी रहा है, इसके बाद क्या करने वाला है देखिए। अभी देखिए, यस पानी पी लिया है, अब आगे का प्रोसेस। यस, पानी का डब्बा को भी साफ कर रहा है। यस देखिए, अब देखिए दोस्तों, इसको हम दिखाते हैं क्या करने वाला है। देखिए पहले चूल्हा लगाएगा वहाँ पे, जो कि यहाँ खाना बनाता है भाई। चूल्हा को सेटिंग करने वाला है यहाँ पर, ये अभी यहाँ पे करेगा, यहाँ ही खाना पकाता है। और इधर बेड लगाएगा, इधर टेबल लगाएगा। देखिए दोस्तों, देखिए कैसे साफ होता है, आप लोगों को दिखा रहे हैं हम। अब देखिए, चूल्हा रखेगा उस पर, ये चूल्हा रखा गया है। अब गैस सिलेंडर वगैरह लगाएगा। तावा रखता है बगल में, चूल्हा बगल में रखता है तावा को। देखिए गैस सिलेंडर लगाएगा उधर कोना में, इधर लगाएगा दोस्तों। उधर डब्बा रखता है चावल आटा सब का, और मसाला का डब्बा रखेगा। गैस चूल्हा रखेगा उधर। देखिए दोस्तों, गैस सिलेंडर में पाइप अभी जोड़ रहा है, चकवा बेलना सड़ी आ रहा है, और आगे का प्रोसेस ही जारी रखेगा अभी। तो दोस्तों, आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कैसे रूम में अच्छा रहा जाता है, कैसे साफ किया जाता है। यही है पटना के लड़का वाला सबका रूटीन, यही इसी तरह रूम में सफाई वफाई करता है, खाना बनाता है, पढ़ता है। यहाँ पे कोई बकचोदी नहीं होता है भाई। देखिए दोस्तों, स्टडी टेबल है इधर, श्याम का है इधर, संजीव सर का है, प्रमुख सर का है इधर, दिगंबर सर का है। देखिए देखिए, अभी उधर लगा रहा वो स्टडी टेबल, वहीं पे पढ़ता है बैठ के श्याम सर। आगे गोड़ बच्चन वाला रखता है, गंदगी आने से पहले सब उसमें गोड़ पोसता है ताकि गंदगी बाहर में ही रहे। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा से रहा जाता है रूम में, आप लोगों को दिखा रहे हैं हम। ठीक है, बाय।